हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त समीर आज की वीडियो में आपके लिए लेके आ चुका हूँ। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। बेसिकली आज की वीडियो में जो मार्शल की वैकेंसी का जो ऑर्डर आया हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा, साथ साथ ऑर्डर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा एंड आपको बताऊँगा कि कितनी वैकेंसी है, किस डेट से है। जो कि इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले दे चुका हूँ, आज मैं आपको उस चीज़ का प्रूफ दिखाऊँगा, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे वो रेगुलरली पूछ रहे थे कि जब भी हम किसी से पूछते हैं तो वो डायरेक्टली डिनाई कर देते हैं, आपको कैसे पता चल जाता है, आप हमें ऑर्डर शो कीजिए। सो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको ऑर्डर दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ जो उसकी ऑर्डर कॉपी है, ऑर्डर कॉपी इन द सेंस अगर हम बात करते हो तो मार्शल्स के फॉर्म के लिए साथ में एक फॉर्म भी दिया जाता है कि उसमें कैसे अप्लाई करना है, उसे फिल करके उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके जब वो फॉर्म अपनी जो फाइल है वो आपके ऑफिस में आपको सबमिट करनी होती है, राइट। सो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो ये ऑर्डर है, दो पेज का ऑर्डर आया हुआ है। पहले पेज में बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कितनी वैकेंसी आई है, राइट। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो अभी की जो मैं वीडियो बना ऑर्डर शो कर रहा हूं वो नई दिल्ली का ऑर्डर शो कर रहा हूं, हालांकि मेरे पास और भी ऑर्डर अभी आने हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट के, जैसे वो मेरे पास आ जाते हैं वो ऑर्डर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पर ये मैं आपको बता दूँ जो वैकेंसी है सारी स्टार्ट हो चुकी है, आ चुकी है। आप ये लगा लीजिए इस मंथ के एंड तक या फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग तक ऑलमोस्ट जितने ही डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताया, छः के छः डिस्ट्रिक्ट में जो आपके मार्शल्स के लिए अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। सो बी रेडी फॉर दैट। प्रोसीजर सबका सेम रहने वाला है, सिर्फ एक से दो चीज़ चेंज होगी, किसी डिस्ट्रिक्ट में इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं होंगे। साथ ही साथ इस वक्त के जो मार्शल्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट टफ होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी सारी लिमिटेड आई है, राइट। साथ ही साथ अगर हम बात करते हो तो इसमें जो हमारे वार्डन है, सेक्टर वार्डन है, जो इंचार्ज है वो अपनी पहले प्रायोरिटी दिखाएंगे। मार्शल में हर कोई चाहता है कि पहले उसका हो, राइट। खासकर अगर हम बात करता हूँ क्योंकि जो सीनियर्स होते हैं सेक्टर वार्डन वार्डन उनके पास ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी काफ़ी पहले अवेलेबल होती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने हैंड से शेयर नहीं करते हैं, राइट। क्योंकि हर कोई चाहता है कि पहले मेरा नंबर हो, पहले मैं लग जाऊँ, फिर दूसरों को मैं बता पाऊँ, राइट। हर कोई अपने हैंड से अपना बेस्ट ट्राई करता है, सो उस चीज़ के लिए, राइट। सो सबसे पहले मैं ऑर्डर पर चलता हूँ, ऑर्डर में आपको शो करूँगा कि क्या ऑर्डर हुआ है, साथ ही साथ वो फॉर्म आपको कैसे भरना है वो इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, राइट। सो एक बार चलते हैं डायरेक्टली ऑर्डर कॉपी की तरफ। सो दोस्तों हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ, यहाँ पे क्लियरली आप जैसे कि देख सकते हैं ऑर्डर की डेट। सबसे पहले आप देखिए ऑर्डर की डेट की अगर मैं बात करता हूँ तो 13 मई को ये इन्फॉर्मेशन आ गई थी, ऑर्डर सर्कुलर हो गया था, मैंने आपको उससे पहले भी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, क्योंकि इंटरनली सोर्सेज सबके होते हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पे आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, मिनिमम हाइट दी गई है मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, राइट। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप 8वीं पास होनी चाहिए। अपर एज लिमिट की अगर मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया हुआ है मार्शल के लिए मेल के लिए 50 तक की उम्र है, फीमेल के लिए 47, राइट। साथ ही साथ मेडिकल सर्टिफिकेट की अगर हम बात करते हो, आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना होता है जिसमें आप इस बात को इंश्योर करते हैं कि आप बिल्कुल फिजिकली फिट है, जो कि आप राइट किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिस्पेंसरी या फिर MBBS डॉक्टर से ले सकते हैं। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें कैरी करना मस्ट होता है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग होनी मस्ट होती है, साथ ही साथ वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए दिल्ली का, बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें एड्रेस दिल्ली का हो, एंड आपके जो एनरोल है वो 31 मार्च 2021 से पहले हो चुकी होनी चाहिए। उसके नीचे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि ऑलरेडी एक पैराग्राफ दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, राइट। अगर हम बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। सो इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, राइट, कि मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें अगर बात की जाए तो इसमें डेट भी मेंशन की गई है, कहाँ पे सबमिट करना है वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 10/11 जामनगर हाउस न्यू दिल्ली में आपको जमा करना है। डेट की अगर हम बात करता हूँ सो 23 मई 2022 से लेकर 27 मई 2022 के बीच में ये फॉर्म सबमिट होंगे, इस बीच में आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट किया जाएगा। टाइमिंग जो आपकी होगी 11 से 4 इसमें बताई गई है, पर इस बात को मैं 110% कह सकता हूँ कि टाइमिंग थोड़ी पहले ही इसमें होने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारे यूज नंबर में इसमें अप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करता हूँ तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं वो आपके काम की चीज़ नहीं है। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट ऑर्डर पर, राइट। नेक्स्ट ऑर्डर में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एप्लीकेशन परफॉर्मा दिया हुआ है फॉर कॉल आउट ड्यूटी सिविल डिफेंस न्यू दिल्ली। सो इसमें आपको बेसिकली राइट हैंड साइड में अपना फ़ोटो लगाना है, अपनी डिटेल भरनी है, नाम,
एनरोलमेंट नंबर, डिवीज़न नेम, राइट डिवीज़न नेम भरना है आपको। अगर डिवीज़न की लाइक हम बात करते हैं तो मेरा जो डिवीज़न आता है राइट वो वसंत विहार वसंत कुंज है, डिवीज़न वसंत विहार सब डिवीज़न अगर हम बात करते हैं तो वसंत कुंज है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, डेट ऑफ एनरोलमेंट एंड सी फॉर्म आपको लगाना है, डेट ऑफ रिन्यूअल अगर आपके ऑलरेडी रिन्यूअल हो चुका है सो वो ड्रोकॉपी आपको लगानी है, कॉन्टैक्ट नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया था मिनिमम 10 8वीं पास होने चाहिए, जितने भी आपकी क्वालिफिकेशन हो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे लगा देनी है। बेसिक सिविल डिफेंस ट्रेनिंग कोर्स आपने की हुई है उसकी यस कर देना है, डेट ऑफ ट्रेनिंग आपको मेंशन करनी है, साथ साथ बेसिक ट्रेनिंग का आपको सर्टिफिकेट लगाना है। अगर किसी ने एडवांस ट्रेनिंग की हुई है सो प्लीज़ मैं मस्ट अटैच कीजिए, उसको आपको प्लस बेनिफिट होगा क्योंकि मैंने भी की हुई है वो आपको बेनिफिट होने वाला है। सिविल डिफेंस स्पोर्ट्स की साइड से अगर आपने कुछ खेला हुआ है सो वहाँ पे से आप मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ कोविड 19 की 3 मंथ्स की अगर आपने जो ड्यूटी है वो सारी चीज़ आपको मेंशन करनी है राइट। साथ ही साथ मेडिकल सर्टिफिकेट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेडिकल सर्टिफिकेट राइट हैंड साइड में आपको अपना साइन कर देना है। एंड किसी ने अगर NCC की हुई एडिशनल कोई भी स्पोर्ट्स आपके पास अवेलेबल है नेशनल जोनल डिस्ट्रिक्ट स्कूल से राइट सारे डॉक्यूमेंट आप अटैच कीजिए, कहीं से भी आप मत कीजिएगा। साथ साथ लोअर में जब आप देखते हैं लास्ट में सो ऑफिस यूज़ के लिए आपकी हाइट मेंशन की गई है, वो अपने हैंड से खुद फिलअप करेंगे राइट क्योंकि वहाँ पे हाइट मेजरमेंट होता है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है राइट। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको हो सकता है कि इंटरव्यू कंडक्ट हो, इंटरव्यू के लिए मैं एक बार अपने सीनियर से अपने दोस्त से कन्फर्मेशन ले लूँगा कि इस बारे में जो आपके इंटरव्यू कंडक्ट होंगे या नहीं होंगे। अगर इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं उस तो इस बारे में मैं आपको ट्राई करूँगा कि जो उसमें क्वेश्चन पुट ऑन किए जाएंगे वो कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ओके सो एक बार दोबारा चलते हैं स्क्रीन की। जैसे कि आपने देखा ये सारा प्रोसीजर होने वाला है राइट, अभी आप ऑलरेडी ऑर्डर देख चुके हैं, मैं आप ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे कैसे फिल करना है। सो बी रेडी फॉर दैट, मैं इस चीज़ को मेक श्योर करने की कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर पाऊँ ताकि आपको किसी भी साइड से इन्फॉर्मेशन की साइड से आप स्टक ना हो राइट। सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो कि कहाँ से कैसे किन से आपको बात करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे मिलेंगे राइट। साथ साथ क्योंकि आज मस्टिंग की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि आपको पता है कल मस्टिंग कंडक्ट की गई थी सो उसमें भी कुछ सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे कोविड के राइट। सो उन सर्टिफिकेट में मेरा भी नाम है, सो उस सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसके क्या बेनिफिट होने वाले हैं एंड जिसका नाम उसमें आया वो उस चीज़ का कैसे बेनिफिट ले सकते हैं राइट। सो उसी के लिए वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, फिलहाल की वीडियो में यहीं स्टॉप करता हूँ। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, अभी के लिए गुड बाय।